अजीत चौबे को तो आपने देखा कि किस तरह से उनका ये कहना है कि उन्होंने आत्मसमर्पण किया। अब बात करेंगे राजस्थान के पाली जिले के जैतारण कस्बे की। यहाँ भी सांप्रदायिक हिंसा की खबर आई है। जी हाँ, सांप्रदायिक हिंसा की खबर अब राजस्थान में भी पहुंची है। यहाँ कल हनुमान जयंती के मौके पर निकाले गए जुलूस पर पथराव की वजह से सांप्रदायिक तनाव फैल गया। इस हिंसा में आधा दर्जन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। जी हाँ, आग के हवाले कर दिया गया आधा दर्जन गाड़ियों को भी, और कई दुकानों को भी जला दिया गया। दो समुदाय में हिंसा की शुरुआत दुकान के बाहर नारेबाजी करने को लेकर हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल भी जगह जगह पर तैनात किया गया है, लेकिन आधा दर्जन जो गाड़ियां जली हैं और जो ये दुकानें आप देख रहे हैं कि किस तरह से दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई है, कि राजस्थान के पाली में है बड़ी खबर। जिस तरह से बिहार में सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिल रही है, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिल रही है, अब उसकी लपटें राजस्थान में भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में एनडीए गठबंधन है, तो वहीं राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी सरकार में एक बार फिर ये दंगा देखने को मिला है, जहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा यहाँ पर देखने को मिली है, जहाँ पर पुलिस बल जो है वो जगह जगह तैनात तो है, लेकिन पुलिस इन हादसों को रोकने में, इन सांप्रदायिक हिंसाओं को रोकने में कामयाब होती नहीं दिख रही है। और राजस्थान के पाली में सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिली है। पाली जिले के एसपी दीपक भार्गव के मुताबिक अब पाली में तनाव शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण तनाव नहीं है, शांतिपूर्ण हालात हैं। इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। हिंसा के आरोपी कुछ लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। अभी मौके पे शांति है, कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से उसको, जिसने बदमाशी की है उनको पकड़ने की भी, उनको कंट्रोल करने की। मेरा लोगों से ये निवेदन है कि अफवाहों पे ध्यान नहीं दें, और जिन लोगों ने गलती की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी कस्बे को हम पूरी तरह से कवर कर लिया है पुलिस ने, चारों तरफ से 144 लगा दी है। लोगों से भी अनुरोध है कि अब घरों के बाहर ना निकलें, ताकि हम लोग जो बदमाश लोग हैं उनके ऊपर कंट्रोल कर सकें, और अनावश्यक रूप से कोई ऐसा व्यक्ति जो निर्दोष है वो उसकी चपेट में ना आए।